सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता आज आपस में ही भिड़ गए। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश पांडे के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी कर दी। पुलिस की मौजूदगी में रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश पांडे के साथ बदसलूकी की है। राजेश पांडे ने सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा पर घोटाले के आरोप लगाए। राजेश पांडे के आरोपों से नाराज किशोरी लाल शर्मा के समर्थकों ने हंगामा किया है। पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। राजेश पांडे पर मोबाइल ऑयल डाल दिया है। राजेश पांडे ने मारपीट का आरोप लगाया। किसी तरह पुलिस राजेश पांडे को वहां से बचा कर लेकर गई है। राजेश पांडे ने किशोरी लाल पर घोटाले का आरोप लगाया था और इसी को लेकर राजेश पांडे किशोरी लाल समर्थक आपस में भिड़ गए। विवेक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, हुआ क्या? इतना समर्थक आक्रोशित हो गए कि मोबाइल ऑयल डाल दिया। जी बिल्कुल, दरअसल हुआ ये कि राजेश पांडे अमेठी जनपद के रहने वाले हैं और रायबरेली में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बात की भनक कांग्रेसियों को लग चुकी थी क्योंकि किशोरी लाल शर्मा जी जो है वो सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि हैं। हाँ। क्योंकि रायबरेली से उनका ज्यादा टच है और वो मीडिया से बात करने राजेश पांडे रायबरेली ही आ गए। इस बात से कांग्रेसी ज्यादा आक्रोशित थे और जो युवा विंग है इनकी, जो नई विंग है, वो कुछ ज्यादा आक्रोशित हो गई और वो पहले से ही झात लगाए क्योंकि उनको जानकारी थी कि जिस होटल में जो है वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस राजेश पांडे, वहां की जानकारी थी। वहां से पहले से ही सारे कांग्रेसी झात लगाए हुए बैठे हुए थे और जैसे ही राजेश पांडे आए, हालांकि राजेश पांडे पुलिस टिकट के अंदर थे, उसके बावजूद कांग्रेसियों को कोई डर नहीं था और उन्होंने मोबाइल तक डाल दिया। जी ऐसा पहली बार हुआ है विवेक? जी बिल्कुल, कांग्रेसियों का ये तेवर तो पहली बार देखने को मिला है कि उन्होंने जो है वो किसी के ऊपर इस तरह से व्यवहार किया। हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सांसद प्रतीक किशोरी लाल शर्मा के ऊपर राजेश पांडे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये जांच का विषय है, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस का रवैया रहा है, पुलिस के सामने ही कांग्रेसियों ने, हालांकि विजुअल में देखा जा सकता है कि कांग्रेसियों ने किस तरह राजेश पांडे के साथ बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद पुलिस ने राजेश पांडे के ऊपर ही चार्ज लगाकर उनको जो है वो जेल भेजने की तैयारी में है। धन्यवाद अपडेट देने के लिए हमें।